देख लो एक बार, चेक कर लो असली या नकली है। फिलहाल देखो भाई, सीरियल वाइज देख लो, ये देख लो, ये है भाई 50,000 की गड्डी, देख लो असली है। ये मैंने चेक कर लिया असली है। तनख्वाह कौन ही लेंदा बिना वेतन को, काम करेगा तो तनख्वाह होगी, वह भी सरकार दो रहे, और 50,000 रुपये महीना सरकार तो यू देवेगा। 2027 तक 30 लाख रुपये एडवांस में सरकार ने दे देगा। ये देखो भाई असली है, कदम सोचो या नोटा ही हवा भी लाग गए, कदम नहीं सोचते हो। देखो भाई नहीं कतनी करनी, मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए सुरेंद्र भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ना, मुकरिए ना मुकरिए ना, जुबान तेरे मुकरिए, फांसी तोड़ दियो भाई, उड़ान करिए थोड़ा, सरकार तक नोटा की आवाज आने दे भाई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम, और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक पे लाइन ने देख लो एक बार, चेक कर लो असली है नकली है। फिलहाल देखो भाई सीरियल वाइज देख लो, ये देख लो, ये है भाई 50,000 की गड्डी, देख लो असली है ना, ये मैंने चेक कर लिया असली है। तो फौजी का बेटा है सुरेंद्र लोहान मेरे साथ बैठा है, सपना है पुलिस में लागना है, लेकिन पुलिस में लागण का जुनून इतना तकड़ा अकबिनू को है भाई, सिर्फ वर्दी का जुनून है। मैं 50,000 रुपये महीना हरियाणा सरकार ने दूंगा, तनख्वाह कौन नहीं लेंदा बिना वेतन यू काम करेगा, जो तनख्वाह होगी वह भी सरकार दो रहे, और 50,000 रुपये महीना सरकार तो यू देवेगा। क्यों देवेगा वह सारी बात पूछांगे, फौजी का बेटा है, इसके गिले गिले नू भी कहने लग रहा है, जब सरकार ने मेरे पर विश्वास नहीं है तो एक साल के बने हैं, एक साल के 6 लाख बन गए, नहीं 5 साल के, हाँ 6 लाख तो एक साल के बन गए, और जब 5 साल के लेने हैं सरकार ने, नू सोचो भी महाराज जाए पाचक दे ना दे भाई, यू जब सरकार सत्ता में नहीं रही 2024 के इलेक्शन में, फिर कदे ना देवे, तो यानी कि 2022 में ही बापा बैठे, हाँ 2027 तक के 30 लाख रुपये एडवांस में सरकार ने दे देगा। ये देखो भाई असली है, कदे नहीं सोचो या नोटा ही हवा भी लाग गए, कदे नहीं सोचते हो। देखो भाई देख लो एक बार, दिखे ना सही, देखो भाई तो ये पूछांगे मामला के है, और यह बात उनको नहीं कथनी करनी, मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए सुरेंद्र भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ना, मुकरिए ना जुबान तेरे मुकरिए, फांसी तोड़ दियो भाई, ठीक है भाई, नुकार है बोले जुबान तो मुकरना चाहिए, और विष दे दे विश्वासघात नहीं देवे, तू तो दे विश्वास ना भाई, नहीं बिल्कुल काकचम विश्वासघात हो रहे इधर के लेना काकचम, बिल्कुल सरकार विश्वासघात कर रही मेरे साथ, मेरे साथ 2012 में 13 में भर्ती निकाली थी उड़ा सरकार ने, इंटरव्यू आ गया, 14 में इलेक्शन हुए, बीजेपी सरकार ने भर्ती निरस्त कर दी, पहली बात तो यह इसका अधिकार ही नहीं था निरस्त करने का, 8275 का राइट नहीं था सरकार के पास, ना राइट नहीं था, क्योंकि वो सरकारी उस पे तौर पर लिख रही है, मतलब भाई सरकार तो आती जाती रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया खट्टर सरकार, तो फिर क्या इसके माध्यम से एक लोभ दिया, जिसके इंटरव्यू हो रहे हैं उसको एज में छूट दे दी, अच्छा तो एज में छूट देने के बाद भी फार्म भर दिया मामला मेरे भाई, यू 2016 में फार्म भरया, फिर बीजेपी सरकार आई शुरुआत में, जीव तेरा यू में 2013 2013 का मामला आज है 2022, 9 साल हो गए सुरेंद्र धक्के खे नुगम, मेरा वर्दी पारण का स्वाभिमानी सपना है उसकी पूर्ति खातर 30 लाख रुपये सरकार ने 5 साल के एडवांस देने में तैयार है, यानी 50,000 रुपये महीना ऊपर तो अपनी जो तनख्वाह होगी वह भी सरकार होगी, RTADA PF सब सब दाओ सरकार का, PF तो रख दे कुछ नहीं रखता, PF भी सरकार सब सरकार का। चलो भाई या भाई का मतलब लाइव में आकर एक किस्म तय एक नू समझ लो एक एफिडेविट सा दे दिए ने, तो फिर 2016 में फार्म भरा भी जिसकी मतलब इंटरव्यू है, अच्छा। तो उसमें फार्म भरा तो उसमें फिर 28/8 को 2016 को रिटर्न हो गया, तो उसमें SBC पोस्ट में हम विदाइल्ड रख लिए, अच्छा। रिटर्न हो लिया जुगर इंटरव्यू बच्चों का सारा रिजल्ट दे दिया तो विदाइल्ड रख लिए, तो 30/8/2000 को इंटरव्यू हो गया HSSC में, तो फिर हो गया 20/1/2000 को 2022 को हाइट चेस्ट होगी, अच्छा। तो इब क्या है, हम SBC वालों ने कोर्ट केस कर रखा है 2019 से, तो विचाराधीन है कोर्ट केस, तो 15 बच्चे कैंडिडेट हम और 35 पोस्ट हैं SBC की पेंडिंग, आपको शामिल कर लिया, आपको किस में जो आपको कंसीडर कर लिया था इसमें जुकर मामला लाठा दिया तो विदाइल्ड रख लिए थे, अच्छा। तो उसमें विदाइल्ड रख रखे हैं, अच्छा। तो अभी कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही है, अच्छा उधर झेड़िया ना घर बार तेरा है वो हो रहा है, तो इसमें विदाउट रिकॉर्ड केस है 15 कैंडिडेट हैं SBC 35 पोस्ट हैं, कोई भी समाधान नहीं कर रहे, तो मैं अब अपनी तरफ से फ्री सेवा देश की सेवा करना चाहता हूँ, अच्छा। और ले 50,000 रुपये भी ना अपने पास से
अच्छा हरियाणा रात को उसमें डालना चाहता हूँ सर। मैंने संतुलन तो ठीक होगा सुरेंद्र भाई, मानसिक संतुलन ठीक है बिल्कुल, इस बात का तो दिक्कत भी नौकरी नहीं मिली इस करके दिमाग का टाका लग गया, कोई टाका नहीं हिल रहा, बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। मेरे को एक वर्दी पर आएगा, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, वर्दी पर का जुनून जुनून है। अच्छा हाँ, तो यू आपने बताऊं ये सा जिगरा भी किसी को नहीं पावर। एक चीज हो रहा है जो भाई वर्दी का जुनून खतर नू कह वह है भाई, 5 साल का एडवांस ले लो तो यू काम करने की कितनी रलक होगी इस बात का अंदाजा ला लो। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इस गल धोखा क्यों होया, जब हुड्डा सरकार थी उस टाइम पे इसकी लगभग ज्वाइनिंग तय थी, लेकिन जैसे सरकार बदली, नियम बदले और रड़क वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई और उस रड़क का शिकार हो गया यू, बोले चना गला डोरा पीस गया। इसका कसूर कौन था? इलिजिबल था, सारे कागजी कार्रवाई सारी पक्की है पूरी, जो भी आपकी रिटर्न फलाना तकड़ा, जो इंटरव्यू रिटर्न फिजिकल सब हो रहा है, ओके था, सिर्फ सरकार बदल गई, शोषण हो रहा है, सरकार बदल गई, तो सरकार बदली तो फिर भी। और देखो जिस सरकार ने इसकी ज्यादती करी, देखो कितना बड़ा दिल है इसका, उसे सरकार तेन को 6-30 लाख रुपये एडवांस ले लो, 50,000 रुपये महीना, यानी कि 5 साल के 30 लाख रुपये कर्ज लिया होगा भाई। क्या मैंने किला अपने जमीन बेचनी पड़ो? अच्छा, सरकार की मैं खाना पूर्ति पूरी करूंगा, मतलब और प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, बिल्कुल कमिटमेंट है, पूरी प्रॉमिस है। लो भाई सरकार तमाम तो यू कमा चाहे तमने भी दिक्कत रहे, आजकल मैंने बेरा पुलिस की सैलरी भी लेट आवे, कई बार देखा हम लेट लतीफ हो जाए पुलिस वाले बेचारे भीतर वो काम हो रहे उनके लिए, बोला चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, कई बार देखा खाकी, देखो धागी भी है बहुत सारी, लेकिन बहुत सारे बढ़िया भाई भी हैं, सारे एक से नहीं होंगे। मैं कहूँ उन खाकी वाले के अंदर जुनून है, लगन है और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधे पर है, और सुरेंद्र भाई ने कहा बोले आज मेरे तवर्दी पर आ जाओ, मैं दिखा दूंगा खाकी का रूप के हुए। और तो यह बात खट्टर साहब से अनुरोध है, अगर वो मेरे को वर्दी पर पहनाएंगे और समाज सेवा करने देंगे तो मैं 5 साल की जगह 10 साल के दूंगा, 10 साल के दूसरा किला बेच दूंगा। ले भाई और बोलो और क्या चाहिए भाई, 10 साल के भाई कमेंट करके बताओ भाई, सुरेंद्र भाई जो कह रहे हैं बताओ कमेंट करके। तो खट्टर से रिक्वेस्ट है मन्ने जैसे ले ले प्रदेश सेवा करने दे और मन्ने वर्दी। कितने कैंडिडेट हैं आप इस तरह के? 15 कैंडिडेट हैं। देखो औरा की तो जिम्मेवारी तो ले सकता नहीं, अपनी अपनी है, देखो अपनी अपनी जिम्मेवारी है। तो ये इस टाइम मेरा हाथ में 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये सुरेंद्र लेकर आया है और खुले आम कहने लग रहा है 50,000 रुपये तो टोकन मनी ले लो, यू टोकन मनी है, किला एक भी बेच देगा दो भी बेच देगा सरकार अगर ले ले नहीं वो पूरा कर, मैं 3 भी बेच दूंगा किले, और किले टोटल है कितने? किले भी अपने 3 हैं, और भाई कितना आप लोग? भाई 2 हाँ, मतलब भाई भी कह रहा है, भाई भी नौकरी लग रहा है, वो भी कह रहा है मैं अपने भी दे दूंगा। अच्छा। फादर है फौज में है, उसकी भी कह रहा है मैं दे दूंगा, मतलब सिर्फ आपको वर्दी का जुनून है। तो हम सरकार जुगर सरकार से है भाई मैं अपने 50,000 रुपये पर मंथ हरियाणा रात को उसमें डालूंगा और मेरे को वर्दी दो और मैं प्रदेश सेवा करना चाहता हूँ। तो वर्दी का जुनून इस तरह का आपने देखा के कमेंट करके बताइए मेरे तय, वर्दी का जुनून ऐसा देखा के। फिलहाल सुरेंद्र लोहान खुल के नुकाने लगा, राजनीतिक रड़क का शिकार हो गया। 2013 तैयारी 2022 में आपा बैठा, 9 साल में आदमी धक्के खे बैठ जाए, लेकिन फिर भी बोला जिन्हें मंजिल की धुन उन्हें कार वहां से क्या, मन के जीते जीत मन के आ रहा, मन को नहीं आ रहा। बोला ईबी भी नू कह बोला 3 किले बेच के भी सरकार जब पुलिस की वर्दी इसको देना चाहती है, नू भी नहीं अयोग्य है यू ना, इलिजिबल है, डिजर्व भी करे है, रोल नंबर भी है, रोल नंबर बता दे भाई। 115,466 एसबीसी का। अच्छा जी, अब ये जनरल में कंसीडर कर लिए। अच्छा, ये इसका रोल नंबर, ये रोल नंबर भर्ती, पुलिस भर्ती का। हां, एडवर्टाइजमेंट है 8/2015 हां। अच्छा, ईब सुन लो भाई, सारे के सारे सुन लो, आप बताओ सुरेंद्र लोहान को जरूरत पड़ेगी के 30 लाख रुपए देन की, जया वर्दी ऐसे कह के इसके कंधे पे, क्योंकि यू डिजर्व करा यू इस बात के दावे कर रहा है भाई, हर तरीके है इसकी जो एलिजिबिलिटी है परिपूर्ण है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। और करमो भाई, अगर ले ये सरकार भी ये काम नहीं करेगी नहीं तो देश का क्या भला करेगी और के युवाओं का भला होगा, क्या भला खर्च कह दे युवाओं का, बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, ये गिन के ले रखे पूरे 50? हाँ बिल्कुल। चलो फिलहाल एक चीज मैं बता दूं, यू वाला की देखो ना कोई मजाक है या रियलिटी और जो एक्चुअलिटी है और सीरियसली मामला भाई, कदे नु सोचो भी यू मजाक करके जाता रहेगा, इस बात के लिए कृतबद्ध है सरकार, इसके कंधे पे खाकी की वर्दी पर आओ और योग्य है। ये मेरे और भाई ने अपने सर्टिफाइड कॉपी दे, फौज में नौकरी करी भाई, फौजी का बेटा है, राजपाल राजपाल फौजी का लड़का भाई,
और इस वीडियो ना शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर कर दियो की फादर ने भाई जाओ दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये देख लो ई बाप अपनी राय जरूर दियो भाई। फिलहाल एक टाइम था जी राजनीति होया कर दी तो राष्ट्र नीति तो राजनीति बनी, राजनीति तो फिर वह जात नीति बनी, जात पैत पे आ गई, फिर वह रात नीति बनी, रातन लुटन की बन गई, आज वह नाश नीति है। तो उसके नतीजे देखने मिल रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट देखने मिल रहे हैं। फिलहाल मैं किसी जात पात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भेदभाव की। यू भेदभाव क्यों, भेदभाव क्यों, एक आंटी में दो पेट क्यों? और जो योग्य है तो किसी भी जाति का जो योग्य है तो उसको इस नौबत पर क्यों आना पड़ा? देखो कर्मु भाई ये कह रहे मैरिट है, मैरिट है जैसे गोड़दार लगाते, असली मैरिट मेरे वाली है जो पास होके लगाते, ये बताओ मैरिट है। दो असली मैरिट तो मेरी है, एक तो खजाना खाली हुआ है, एक मैं हरियाणा सरकार का खजाना भर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें ताकि भाई हमारा हरियाणा खुशहाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है, अगर भर्ती में जो भी भर्ती हुए हैं तो इसमें ये होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रावधान तो ये होना चाहिए, जो जो भर्ती आए तो जो भी कैंडिडेट ये अपना हुआ नहीं उसको प्राथमिकता होनी चाहिए। एक चीज बंद होनी चाहिए, एक मैं बताता हूँ, एक चीज बंद होनी चाहिए, वह यह होनी चाहिए सरकार जी बदल जाए हैं और उस सरकार की मान लीजिए सत्ता में इस टाइम बीजेपी बैठी है, इस टाइम के लाए तो यदि अगली सरकार को बदले तो वो हटा दें और इनके लाए ने फिर वो हटा दें तो यू गलत है। कोई भी भर्ती निकले जैसे कोई भी हुआ ये काम करे नहीं तो उसको प्राथमिकता दो, उसको डायरेक्ट लगाओ। हाँ ठीक बात है। जब हमारा हमारा खजाना भरा होगा हरियाणा का, जब ही तो देश का विकास होगा। अभी ये एमएलए मंत्री लाख लाख रुपए लूट रहे, खजाना खाली कर रहे हैं, हरियाणा नहीं बनाएंगे, जो पाछे अणे है नी अणे खाली होगा आने वाले समय में, लूट लिया। देखो इसके लिए जाति भी और सुरेंद्र गिल है, लेकिन फिर भी इस बात का कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। यू नो को है इसी भर्ती काटो, जो 50,000 रुपए महीना के देन की हिम्मत रखे उनको प्राथमिकता दो। और जुनून भाई जैसे ही मैं अगर मेरी बात ये माननी सरकार ने तो मेरे जैसे और भी भाइयों के जुनून होगा वो भी देंगे आगे। ठीक बात है। तो ये जुनून है सिर्फ वर्दी पैर कर देश सेवा, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने कंधे पे लेकर उसको निभाने की बात है, एक स्वाभिमान की बात। मैं मेरा हरियाणा सरकार की जो रात कोष है उसको बचाना चाहूं हूं, इनने लूट लिया जैसे एमएलए मंत्री लाख लाख रुपए ये और भी ये अपने ये देव ये लूटने लग रहे देश को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, यह शुरुआत कर दी, फिलहाल एक शुरुआत है। अरे गले गले नु कह दी नेता तो उनसे कई कई पेंशन लेवे हैं, ये नु थप 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 करवा के गले अपनी चीज पास करवा दे सदन में बैठ के, मानसून सत्र में पास होगी, फलाना सत्र में पास होगी, तो ये नु कह बोले मुँह भी कर दो घोषणा। लेकिन फिलहाल बिना जड़े मतलब बिना दुर्भावना कह रहे हैं यू सुरेंद्र, अगर कोई दुर्भावना नहीं है यू तो नु कह बोला मेरे पास जो भी 50,000 रुपये महीना देने की बात करूँ उन्हें दे दो, सिर्फ वो वर्दी ऊपर लेकर अपने कंधे पे उसकी जिम्मेवारी को दिखाना चाहूँ, चुप करो है वर्दी का स्वाभिमान। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैसेज देना भाई कुछ? बस मैसेज ये है करमू भाई मेरी बात को सुने और मैं लले भाई अपना वर्दी दें और समाज सेवा करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है। कोई फोन आया सीआईडी का सीएम सेल्ट है या फिर कोई कितने तमार दो कोई संदेश आया गया तो वो 30 लाख रुपए की बात आया जैसे मैंने तो तैयार है, बिल्कुल तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करमू भाई, जबान है जबान से नहीं फिरूंगा, या मेरे को जैसे सरकार भी अगर नहीं दे अगर नहीं दूंगा फांसी तोड़ दियो। चलो फिलहाल आप बताइए कमेंट करके सुरेंद्र ने जो बात कही उन आप कितना सहमत हो और अपनी अपनी राय इस मामले में जरूर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान। ला नोटा गया खा लो बस, सरकार तक आऊँ सरकार तक जान दो नोटा गया वो रन करिए थोड़ा सरकार तक नोटा गया जान दे भाई लो भाई चलो।